सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में बच्चों में हुनर की कमी नहीं है और हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सेना में भी प्रदेश के बच्चे अधिक जाना चाहते हैं, खासकर कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिला में सेना में अधिक बच्चे जाना चाहते हैं। इसीलिए इन जिलों के बीच में सैनिक कोचिंग अकेडमी बनाने का निर्णय लिया है ताकि बच्चों का प्रदेश से बाहर शोषण न हो। कोचिंग अकेडमी में हर वर्ष 200 बच्चों को कोचिंग दी जाएगी, जिसमें 50 लड़कों को अधिकारी और 25 लड़कियों को सेना के तीनों अंगों में सह अधिकारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं महेंद्र सिंह ने पंचायत चुनाव में भी भाजपा के जीत का दावा किया है और कहा है कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव का ऐलान होने से पहले ही हार मान ली और बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। रोस्टर में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हार को सामने देखकर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। कोचिंग सैनिक अकेडमी, इस अकेडमी को लेकर के मैंने ऐसा महसूस किया कि हमारे बच्चे जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, हमारे होनहार बच्चे जो सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं, हमारे होनहार बेटियां जो सेना में अधिकारी बनना चाहती हैं, उनको जब कोचिंग लेनी होती है, ग्रामीण स्तर से जब निकलते हैं, उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन उनको अपने ट्रेनिंग लेने के लिए या तो उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता था, या उनको लुधियाना जाना पड़ता था, या उनको दिल्ली जाना पड़ता था, या उनको उत्तराखंड में वहाँ जाना पड़ता था और वहाँ पर उनका शोषण होता था। हमने उस शोषण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो सैनिक बाहुल क्षेत्र है वो कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर है। इसके बीच में जो है हम सैनिक अकेडमी खोलने की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है, उसके टेंडर हो चुके हैं, उसका काम युद्ध स्तर पे चला हुआ है। उसका काम दोबारा कह रहा हूँ कि युद्ध स्तर पे चला हुआ है। अभी आर्मी डे था 16 तारीख को, आर्मी डे में उससे पहले मैं जो यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल हैं राज शुक्ला जी, मैं उनसे और संजीव शर्मा जी मेजर जनरल हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसमें जो मदद हमारी तरफ से होगी हम भी मदद करेंगे। इसमें हमने 200 बच्चे जो हैं वो जिनको सैनिक बनना है, 50 बच्चे एक पीरियड में जो है वो जिनको ऑफिसर बनना है, 25 बेटियां जिनको सेना में तीनों अंगों में से अधिकारी बनना है, 25 बेटियां होंगी। आप एक अंदाजा लगाएं, अभी चुनाव आचार संहिता शुरू हुई है और आज ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मशीनरी का दुरुपयोग होगा, तो इससे तय हो गया हुआ है कि इस पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के हार जो है वो उन्होंने प्रथम कदम पे ही उन्होंने स्वीकार कर ली है। रोस्टर को लेकर के सारा सॉफ्टवेयर पे चढ़ाया हुआ है, इसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चली है, किसी की भी कोई सिफारिश नहीं चली है। सॉफ्टवेयर में जो उसमें आ गया वो फाइनल है। हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप सॉफ्टवेयर को छोड़ करके जो है वो मैनुअली इसको सारा हैंडल करो। हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमें पता है कि हमने ठाकुर जयराम जी के अध्यक्षता में प्रदेश के मुख्यमंत्री के इसमें हमने 3 वर्ष के बीच इस कार्यकालखंड में जितना विकास किया है उस विकास के ऊपर हमें भरोसा है और उस विकास को लेकर के जो है हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में बहुत बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है हासिल करेंगे।